को भी प्रावधान होगा, तो वो चैनल हो, बर्थ पॉकेट हो, टर्निंग सर्कल हो, इन सबको बनाने का भी वो काम करेंगे। इससे जो कच्छ रीजन है गुजरात का, जो पहले ही एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है भारत के पोर्ट्स में टर्मिनल हैंडलिंग के लिए भी, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट जब यहां पर आएगी 5,963 करोड़ रुपए के लगभग कॉन्सेशनियर्स के माध्यम से इसमें पेमेंट आएगी, लागत आएगी, और इस इन्वेस्टमेंट से लाखों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होते हुए सबको इसका लाभ मिलेगा और हमारे व्यापार को भी बल मिलेगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये यूनियन लिस्ट में भी है और इसको सभी राज्यों से बातचीत करके उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कुछ उदाहरण ऐसे भी आते थे जहां पे कुप्रबंधन रिपोर्ट होता था या चुनाव नहीं होता था, बहुत लंबे समय तक एक ही व्यक्ति वहां पर बैठे रहते थे, तो उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए कि उसकी रजिस्ट्रेशन को सरल किया जाए, उसका एक ये लाभ मिलेगा। गवर्नेंस में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही तय होगी, और एमसीएस एक्ट 2002 में कतिपय संशोधन करने के साथ साथ इसमें जो विशेष सुधार होगा वो चुनावों में होगा, तो एमसीएस के बोर्ड के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए एक इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। केवल ऐसे ही एक्टिव मेंबर्स चुनाव लड़ने के पात्र होंगे जिन्होंने कम से कम 3 जनरल मीटिंग्स में भाग लिया हो और वो इन सोसाइटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेल करता हो। दूसरा जो है, बोर्ड के कंपोजिशन, मीटिंग्स और मेंबरशिप में भी सुधार होगा। बोर्ड में महिलाओं के लिए 2 सीट्स और एससी एसटी के लिए 1 सीट आरक्षित होगी। बोर्ड बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट क्षेत्र के 2 एक्सपर्ट्स को कोऑप्ट सदस्य के रूप में लेगा। बोर्ड मीटिंग के लिए कम से कम 1/3 मेंबर्स का कोरम अनिवार्य होगा। जहां गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी की मैं बात करता हूं, तो सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए लिक्विडिटी, एक्सपोजर आदि संबंधित फाइनेंशियल नॉर्म्स निर्धारित किए जा रहे हैं। 500 करोड़ रुपए से अधिक डिपॉजिट वाले मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी तथा 500 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट अब सेंट्रल रजिस्ट्रार के पैनल से लिए गए ऑडिटर के द्वारा ही किया जाएगा। एक बड़ा कदम है ज्यादा पारदर्शिता और ऑडिट को भी सुनिश्चित करने के लिए, और एमसीएससीएस एमएससीएस के मेंबर्स की ग्रीवियांस को एड्रेस करने के लिए कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन अपॉइंट किया जाएगा। इन ये जो हमारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन्हीं में ही ये कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन को अपॉइंट किया जाएगा। मेंबर्स को समय पर आवश्यक इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसके लिए इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स की नियुक्ति किए जाएंगी। सहकारिता के क्षेत्र में धन की व्यवस्था के लिए पिछले 3 वर्षों में लगातार प्रॉफिट कमाने वाली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपने नेट प्रॉफिट का 1% या 1 करोड़ रुपए जो भी कम हो, एक रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड में योगदान देना होगा, जिसका उपयोग जो सिख एमएससीएस हैं के रिवाइवल के लिए किया जाएगा। जहां तक निगरानी व्यवस्था में सुदृढ़ करने की बात हो, इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड से बनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को वाइंड अप किया जा सकेगा। जहां धोखाधड़ी अथवा पैसे का गबन हुआ हो या चुनाव संभव ना हो सके हो, वहां केंद्र सरकार बोर्ड को सस्पेंड कर सकेगी। इन सब कदमों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लाभ भी मिलेगा। जहां पर आप एप्लीकेशंस हो, यानी कि सुगमता लाने के लिए एप्लीकेशंस, रिटर्न्स, रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आदि को ऑनलाइन फाइल करने की व्यवस्था होगी,
और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी और इसका डिस्पोजल भी 3 माह में किया जाना अनिवार्य होगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनमें केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग को सरकार की अनुमति के बिना नहीं बेचा जा सकता। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग कार्य में संलग्न है, उनकी बैंकिंग एक्टिविटीज का रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत होगा। इससे जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसा भी सुरक्षित होगा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आने के बाद जो बाकी लाभ बाकी बैंकों को मिलते हैं इनको भी मिल पाएंगे।